लाखों रुपए खर्च करके बस्ती जनपद के सीएससी कप्तानगंज और सीएससी रुधौली में दो हेल्थ एटीएम लगाए गए, लेकिन आज ये हेल्थ एटीएम हाथी के सफ़ेद दांत साबित होकर ही रह गए हैं। आपको बता दें कि इस हेल्थ एटीएम से लगभग 59 प्रकार की बीमारियों का जांच होता है, लेकिन हेल्थ एटीएम इंस्टॉल तो कर दिए गए, लेकिन इसको चलाने के लिए ना तो कोई टेक्नीशियन है ना ही इसमें इस्तेमाल होने वाला किट। लिहाजा मरीज आ रहे हैं और निराश होकर वो बाहर जा रहे हैं, बाहर से ही उनको अपनी जांच करानी पड़ रही है और इसके लिए उनको भारी भरकम पैसे भी देने पड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हर जनपद में मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर रही है ताकि लोगों को बेहतर और कम समय में इलाज मिल सके। पेश है एक रिपोर्ट। तो इसी वजह से ठीक से चल नहीं पा रहा, कभी कभी चलता है जो हम लोग आगे चला देते। अच्छा, इसकी किट भी खत्म हो गई है, इससे जांच हो? हाँ बिल्कुल, जो जो जांच इस समय है उसको हम कर तो नॉर्मल जांच ही होगा। हाँ हाँ, जो ब्लड की होनी चाहिए वो नहीं होगी, ब्लड की कुछ जाँचें नहीं हो पर उसका किट नहीं है, और जो किट है जो हम कर दे। किट कहाँ से आता है? देखिए, हेल्थ एटीएम का काम ये है कि जहाँ भी लगा हुआ है उसके थ्रू ब्लड प्रेशर, पल्स, HbO2 और तमाम जांचें जो ब्लड की होती हैं, LFT है, KFT है, ब्लड शुगर है, तो तमाम तरह तरह की जांचें होती हैं। और हमारे यहाँ रेड क्रॉस की तरफ से वो उन्होंने जो है एक तरह से अपनी कंट्रीब्यूट किया है, कंट्रीब्यूशन हुआ है, तो एक जो है आपका कप्तानगंज में, एक रुधौली में लगा। अभी तो देखिए शुरुआत हुई है, धीरे धीरे सारे इंतज़ाम होएंगे और बड़ी अच्छी स्कीम है, बहुत अच्छा है। अगर बहुत से गरीब मरीज हैं उनको इसका फ़ायदा लाभ मिलेगा।